स्वागत है आपका अपना चैनल पैंथा 11। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीए बास्केटबॉल की रिगार्डिंग बात करेंगे। आज जो मॉर्निंग में लास्ट मैच खेला जाएगा सेक्रेमेंटो किंग वर्सेस आपको फिलिपीडिया के साथ, ये मैच होगा 8:30 AM में लाइव होगा मैच। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों टीम की जो आज के मैच के स्टार्टिंग 5+ रहने वाले उसकी रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो फिलिपीडिया की तरफ से आज के मैच में जो स्टार्ट करेंगे पॉइंट गार्ड सेक्शन से आपको जे हार्डन स्टार्ट करते हुए जाएंगे, शूटिंग गार्ड से डी मिल्टन रहेंगे, स्मॉल फॉर्ड से गाइस यहाँ पे तावी सरी से स्टार्ट करेंगे, पीजे टकर पावर फॉर्ड से रहने वाले हैं, और सेंटर से आपको जे एम बिल्ट रहेंगे। जी टी डी की बात करें जे हार्डन रहने वाले हैं, सेक्रेमेंटो किंग की तरफ से पॉइंट गार्ड सेक्शन से आपको डी फॉक्स स्टार्ट करते हुए जाएंगे, शूटिंग गार्ड से आपको के होटल स्टार्ट करेंगे, स्मॉल फॉर्ड से गाइस बात करते हैं एच बर्नी से स्टार्ट करेंगे, पावर फॉर्ड से गाइस बात करते हैं यहाँ पे के मुरे स्टार्ट करेंगे, और सेंटर से गाइस यहाँ पे डी सबनी से स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट गाइस वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले फाइनल एस एल टीम के लिए गाइस आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि गाइस फाइनल एस एल टीम आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री टीम होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो आपको सभी फॉर्मेट पर गाइस यहाँ पर टीम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बेहतरीन रिजल्ट के साथ। आप स्कॉल करके रिजल्ट देख लेना, देन आप यहाँ पर ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। ये लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पिन किया मिलेगा, जहां से आप ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो, या आप टेलीग्राम विजिट करते हो तो सर्च कर लेना @PanthaIlevenABC और गाइस ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, बिल्कुल फ्री टीम होती है इसलिए मिस मत कीजिएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो सेक्रेमेंटो किंग लास्ट मैच यहाँ पर जीत के आरियो एट की तरफ से परफॉर्म करने आते हैं। यहाँ पे एच बर्नी जिन्होंने 39 मिनट्स प्ले किया था, 11.22 असिस्ट इनके थे, डी फॉक्स 38 मिनट प्ले किया था, 25.41 असिस्ट इनके थे, डी सबनी सेंटर से प्ले करते काफ़ी अटैकिंग प्ले किया इन्होंने, 38 मिनट्स इन्होंने प्ले किया था, 18 पॉइंट इनके कनेक्ट हुए तो 14 असिस्ट इनके थे, के मुरे की बात करें 37 मिनट्स प्ले करके आ रहे 29.14 इनके असिस्ट है, काफ़ी अटैकिंग प्ले इन्होंने किया, 3 पॉइंट ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे थे, के होटल की बात करें 35 मिनट्स प्ले किया था, 14.6 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 इनके ब्लॉक थे, बेन से प्ले करने आते हैं यहाँ पे एम मॉन्ग जिन्होंने 16 मिनट प्ले किया था, 5.3 रिबाउंड 5 असिस्ट 1 इनके ब्लॉक थे गाइस, टी लेस की बात करें जिन्होंने 14 मिनट्स प्ले किया था, 7.5 इनके रिबाउंड थे गाइस, ये डी मिचाइल की बात करें गाइस ये आपको पॉइंट गार्ड सेक्शन से प्ले करते हैं, 11 मिनट्स प्ले किया था, 5 इनके पॉइंट थे, 2 रिबाउंड 1 इनके स्टील थे, सी मी टू सेंटर से प्ले करते हैं 10 मिनट्स प्ले किया था, 4 इनके पॉइंट थे, 3 इनके रिबाउंड थे गाइस। अब बात करते हैं सेकंड टीम की, तो यहाँ पे देख सकते हो फिलिपीडिया की टीम लास्ट में जीत के आ रही है और इनके तरफ से परफॉर्म करने आते हैं जेम्स हार्डन जिन्होंने 34 मिनट्स प्ले किया था, शूटिंग गार्ड से प्ले करते 16 पॉइंट कनेक्ट हुआ था, 10 रिबाउंड 14 इनके असिस्ट से, इस टीम के बेहतरीन परफॉर्मर अपनी टीम में इनको आप मस्ट पिक कर लीजिएगा गाइस। जे एम बिल्ड की बात करें या वो सेंटर से प्ले करते हैं, इस टीम के अटैकिंग प्ले करते हैं और गाइस ये आपको असिस्ट रिबाउंड ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। लास्ट में इनका जो परफॉर्म रहा था 32.9 रिबाउंड 2 असिस्ट 3 इनके ब्लॉक थे, 1 इनके स्टील थे। ताबी सरीज की बात करें शूटिंग गार्ड से गाइस ये प्ले पावर फॉर्ड से प्ले करते हैं, 33 मिनट्स प्ले करते हैं, 11.71 असिस्ट 1 इनके स्टील थे, डिफेंसिंग प्ले करते हुए नजर आए थे। डीप मिल्टन की बात करें गाइस ये शूटिंग गार्ड से प्ले करते हुए नजर आते हैं, लास्ट मैच इन्होंने 5 पॉइंट कनेक्ट किए थे, 3 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक 2 इनके स्टील थे। पीजी टकर की बात करें डिफेंसिव प्ले करते हैं, 19 मिनट्स प्ले किए थे, 2 पॉइंट 1 रिबाउंड 1 इनके असिस्ट ब्लॉक थे, बेंच से प्ले करने थे गाइस। यहाँ पे टीम एक्स जिन्होंने 29 मिनट्स प्ले किया था, 15.21 2 असिस्ट 1 इनके स्टील थे गाइस। जे नैंग की बात करें 17 मिनट्स प्ले किया था, 9.21 1 असिस्ट इनके थे, और एम थाई बुले की बात करें 17 मिनट्स प्ले करके आ रहा है, 2.1 रिबाउंड 2 इनके ब्लॉक 2 इनके स्टील थे। एम हरेल जो आपको सेंटर से प्ले करते 15 मिनट्स प्ले किया था, 5.6 रिबाउंड 1 ब्लॉक 1 इनके स्टील थे। एक सेक मिल्टन जो आपको बेंच से प्ले किए थे 14 मिनट्स प्ले किए थे, 10.1 रिबाउंड 2 इनके असिस्ट थे। हम गाइस बात करते हैं आज के मैच में जिस प्लेयर्स को हम लोग ऐसे जेल्स में पिक करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट गार्ड सेक्शन से गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो डी फॉक्स स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन ऑप्शन होने वाले कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, अपनी टीम में ट्राई कर लीजिएगा। डी मिल्टन स्टार्ट करेंगे, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, 20 से 25 पॉइंट इनके आपको इजीली दे सकता है, तो अपनी टीम में चाहो तो अगर क्रेडिट की इशू नहीं होती तो इनको ट्राई करना। सेक मिल्टन आपको बेंच से प्ले करेंगे, 10 से 15 पॉइंट आपको इजीली ये दे सकते हैं, और यहाँ पे डी मिचाइल भी सेम आपको पॉइंट फंडासी के 10 से 15 पॉइंट देंगे, तो आप चाहो तो यहाँ पे डी मिचाइल आज के लिए पंट पिक होने वाले, तो अपने टीम में ट्राई करके जा सकते हो। शूटिंग गार्ड से गाइस बात कर लेते हैं, जेम्स हार्डन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं अपने टीम में गाइस, एसएल और जेल्स में पिक कर लेना इनको, और के होटल आपको स्टार्ट
करते हुए नजर आएंगे, आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। क्योंकि गाइस ये भी आपको 25 से 30 पॉइंट ईजिली दे सकते हैं, क्योंकि आपको रिबाउंड ऐसे ये ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, ये मॉन्क अटैकिंग प्ले करते हैं, बट गाइस ये बेन से प्ले करते हुए नजर आते हैं। कॉम्बोज आपको बेन से प्ले करेंगे, कम टाइम इनको मिल रहा है, वैसे चाहो तो ड्रॉप करके चल सकते हो। एम थाई बुले को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, बट गाइस इनकी कोई खास परफॉर्म नहीं रह रही है। अटैकिंग प्ले वैसे ये भी करते हैं, तो अपने टीम में इनको भी लेके जा सकते हो। गाइस ये स्मॉल फोर्ड से बात करते हैं, टीम एक्सी आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे, लास्ट में जिनका कोई खास नहीं रहा था, बट गाइस 3 पॉइंटर ये भी शूटर है, अपने टीम में इनको ट्राई कर सकते हो। एज बर्नेस की बात करें स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, अपने टीम में गाइस इनको लेके जा सकते हो। टी है डिवाइस की बात करते हैं, ये आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे। जी नहीं की बात करते हैं, गाइस ये भी बेन से प्ले करेंगे, कोई खास इनका परफॉर्म नहीं रहा था। पीजे टकर आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे, और डी हाउस इनका भी कोई खास परफॉर्म नहीं रहा था, तो वैसे भी चाहते हैं इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। पॉफर से गाइस बात कर लेते हैं, तावी सारी से स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, बेहतरीन ऑप्शन होने वाले हैं, अपने टीम में इनको ट्राई कर लेना। के मूरिया स्टार्ट करेंगे, अटैकिंग प्ले किए थे लास्ट में, अच्छे खासे परफॉर्मर हो सकते हैं, तो अपने टीम में गाइस इनको लेके जा सकते हो। और डी लाइस की बात करते हैं, आपको बेन से प्ले करेंगे, 6.5 अवेलेबल है, अपने टीम में ट्राई कर लेना। पीरियड आपको बेन से प्ले करेंगे, लास्ट में जो वैसे इनको टाइम बहुत कम मिला था, वैसे चाहो तो इनको एस एल टीम में ड्रॉप कर लेना, जी एल टीम में किसी टीम में ट्राई करके जा सकते हो। होलमैन्स लास्ट मैच प्ले नहीं किए थे, ओकोपाला भी लास्ट मैच प्ले नहीं किए थे, तो इन सबको आप चाहो तो ड्रॉप करके चल सकते हो। सेंटर से गाइस बात कर लेते हैं, यहाँ पे जैम बिल्ड स्टार्ट करेंगे, एसपी चॉइस बेस्ट रहने वाले हैं, यूनिवर्सल एसपी रहने वाले हैं, आप अपने टीम में इनको एसपी ट्राई कर सकते हो। एसएल प्लस जेल्स में डी समनीस में आपको बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, अपनी टीम में ट्राई कर लेना। ये भी आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बेस्ट चॉइस होने वाली है, अपनी टीम में इनको भी लेके अल्टरनेट करके आप जीएल प्ले कर लेना। सी मीटू आपको बेन से प्ले करेंगे, इनको भी अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, तो गाइज आप चाहो तो इनको सी मीटू को भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे क्वेटा की बात करें, बेन से प्ले किए थे, कोई खास इनका परफॉर्म नहीं रहा था। एम हरेल को अच्छा खासा टाइम मिला, तो एम हरेल के भी साथ जा सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं क्रेडिट मैनेज के लिए। अब गाइज बात कर लेते हैं सेट टीम प्रीव्यू की, जो आज के मैच में हमारी रहने वाली है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। बट गाइज उससे पहले आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल एसएल टीम आएगी गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री टीम होती है। ये लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पिन किया मिलेगा, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो, अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। और गाइज बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि गाइस आपको यहाँ पे एनबीए बास्केटबॉल के ऑलमोस्ट जितने भी बास्केटबॉल होते हैं सभी के वीडियोज़ मिल जाएंगे यहाँ यूट्यूब चैनल पे। और गाइस यहाँ पे सभी के टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जहाँ पे बिल्कुल फ्री टीम होती है। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पिन किया मिलेगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे सेट टीम की, तो सेट टीम में आप देख सकते हो डी फॉक्स को मैंने टीम में ट्राई किया हुआ, जो आपके लिए ये भी ऑप्शन होने वाले हैं। और गाइस यहाँ पे सेक मिल्टन को ले लीजिएगा, जो आपको बेन से प्ले करेंगे। डायल मिचेल पे आपको बेन से प्ले करते हुए नजर आएंगे, अपने टीम ट्राई करके जा सकते हो। एम थाई बोले आपको बेन से प्ले करेंगे, कोई खास इनका परफॉर्म नहीं रह रहा है, तो ये भी इनको कम टाइम मिल रहा है, वैसे चाहो तो आप किसी जीएल टीम में ट्राई कर लेना, एसएल टीम में आप इन पे रिस्क लेके जा सकते हो। एच बर्नेस की बात करते हैं, एच बर्नेस आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, बेहतरीन ऑप्शन होने वाले हैं, अपनी टीम में ट्राई कर लेना। गाइस यहाँ पे टी लैस की बात करते हैं, ये भी गाइस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। यहाँ पे डी समनीस की बात करें, पीपी के लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। और यहाँ पे जे एम बिल्ड आप एस एज ए एस पी ट्राई कर लेना, क्योंकि गाइस ये आपको अटैकिंग प्ले करते हुए नजर आएंगे, अपनी टीम में ट्राई कर लेना। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी की बात करें, तो यहाँ पे जे एम बिल्ड यूनिवर्सल एस पी रहने वाले हैं, पीपी के लिए डी समनीस रहेंगे, और यहाँ पे डी फॉक्स के भी साथ जा सकते हो, जो आपके लिए अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। वैसे ये सेट टीम है गाइस हमारी, बाकी फाइनल टीम के लिए गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, इसलिए मिस मत कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट विद पेंथर 11।